आधी रात को डिमांड आ गई है जी अंडा पराठा रोल खाने की, और जब आप इंस्टा पे रील्स वगैरह देख रहे होते तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें, अगर आप एक देखते हो तो वो बार 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 वही खाने की चीज़ें आई जाती हैं और ऐसी प्रेजेंट की होती है कि मुँह से पानी निकलने लग जाता है और फिर आपका दिल करता है खाने का, और फिर आधी रात हुई होती है ना कोई जा सकता है लेने के लिए, और फिर कुछ हडरा में भी बंदे को ऐसी पड़ी होती है, वो भी रील्स देख रहे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे डिमांड कर दिया, तो चलो फिर हम भी फिर उठ के चले गए, और जब किचन में जाना है आधी रात को तो फिर अकेले थोड़ी जाना है, जिसने डिमांड किया उसको तो साथ लेके जाना ही है, हमें कोई जिन भूत आ गया पकड़ लेगा तो फिर फ़ायदा, हमें डरते हुए चीखे मारते जाएंगे और फिर बाकी सारे घर वालों ने भी उठ जाना। तो जी अली को साथ लेके आई हूँ, आप अंडा पराठा रोल बना रहे हो और इतना मज़े का बनता है ना, इतना मज़े का कि अगर आप ऑन द स्पॉट आप बाहर नहीं जा सकते ना तो आप घर पर इसको बना के खा लेंगे ना, तो आपकी जो सी भी वो एक क्रेविंग होती है ना कुछ भी चटपटा खाने की या फास्ट फूड खाने की, तो वो सारी ख़त्म हो जाती है। ये इस कदर मज़े का बनता है पराठा रोल, इतना क्रिस्पी होता है, और अगर आपने आप इसको खाना चाहते हैं या आप इसकी रेसिपी जो है वो प्रॉपर देखना चाहते हैं, मेरे पास इस टाइम अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर नहीं की, आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी बना के आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और ऐसे बहुत सी रील्स जो हैं वो इंस्टा पे नज़र आएंगी आपको कि बेगम को अगर आधी रात को डिमांड करे बिरयानी बनाने की तो वो बनाएगी, अगर आधी रात को डिमांड करे ये करने की तो वो बनाएगी। भैया हम उन्हीं बेगमों से, फरमाबरदार बेगमों में से, जिन्होंने आधी रात को जाके अपने बंदे के लिए जो है अंडा पराठा रोल बनाया, और ये भी शुक्र है कि गैस आ रही थी और जो है उनकी डिमांड पे अमल भी हो गया। तो खैर ये आज का दिन था, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कभी डिमांड जो है वो रिजेक्ट भी करनी पड़ती है, कभी नहीं भी दिल कर रहा था, बंदा थका हुआ होता है और रात को बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता। अच्छा तो अभी ये यहाँ पे ना बिल्कुल तकरीबन बन गया है, तो अभी ये इसको उतारेंगे और जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो इस पर ठंडा होने के बाद सॉसेज वगैरह ऐड करके इसको रैप कर लेंगे और फिर खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा मज़ेदार। रात को बोतल पड़ी है तो बोतल के साथ खाएँ और मज़े ले रात को आधी रात की क्रेविंग के। ये फ़ास्ट फूड वाली तो क्रेविंग ख़त्म करती है लेकिन इसके साथ से ना बच्चों के लंच के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त सी रेसिपी हो जाती है, ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और उन्हें जितना देना है पूरा ही खा जाते हैं, ख़त्म नहीं करते। मेरे बच्चे तो ये बड़े शौक से खाते हैं और पेट की जगह से इनका भर जाता है, और बच्चों को तो वैसे ही आजकल फ़ास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है, बर्गर पिज्ज़ा शावरमा जो मर्ज़ी देते जाओ। थैंक यू क्यों लोग कहते हैं बेगम आती रात को बना कर नहीं देती, अब बताए मेरी बेगम ने मुझे बना के दिया। छह साल में दूसरी दफा। नहीं पहली दफा बोल दो, कोई मसला ही नहीं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।